पिछले डेढ़ महीने में करीब 30 बार घुसपैठ, सेना पर पत्थरबाजी और अब कश्मीर में पीओके एंथम। आखिर क्या चल रहा है कश्मीर में, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत का खाना, पाकिस्तान का गाना। क्रिकेट के नाम पर देशद्रोह। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, इस एंथम को गौर से सुनिए। ये तस्वीरें कश्मीर के नए मिजाज को दिखाती हैं। जरा देखिए आतंकियों का ये दुस्साहस। क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम पर यहाँ जो चल रहा है वो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। एक तरफ पुलवामा में घुसपैठ और गोलीबारी की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर के नौजवान क्रिकेट मैच के दौरान पीओके का एंथम गा रहे हैं। जब देखो इनका दिल करता है कभी झंडे लहरा देते हैं, जब दिल करता है इनका जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये तो इनका वो है ना कि जो भी दिल में आएगा वो करेंगे। इसका मतलब गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है इनके खिलाफ। ये सख्त से सख्त एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए इसके ऊपर, और जो स्पोर्ट्स काउंसिल है उनको बैन ही करना चाहिए बिल्कुल, जो ऐसी एक्टिविटीज़ को होने देते हैं और करने देते हैं। मैदान पर मौजूद दोनों टीमों ने पहले तो पीओके का राष्ट्रगान बजाया और फिर इसे फेसबुक पर लाइव भी किया गया। सीआरपीएफ के आईजी का कहना है कि इससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैच से पहले कोई ऐसी इंसिडेंट हो, तो जो वहाँ के कमांडर्स हैं, जो फोर्सेस हैं, वो इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे और देखेंगे उसके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है आने वाले टाइम में। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस दुस्साहस का जवाब क्या होगा। कश्मीर में कब तक यही सब चलता रहेगा? हमारे नेता हर रोज चेतावनी की नई इबारत लिख देते हैं, लेकिन इसका आतंकियों पर, उसे संरक्षण देने वालों पर कोई असर नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।